मंत्री मनोहर खट्टर आज करनाल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित जिला स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत करने पहुंचे। यहां पहुंचने पर सांसद संजय भाटिया द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर फूलों के बुके देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कार्यकारिणी का गठन किया गया है और संगठन को मजबूत करने के लिए इस तरह की बैठकों का आयोजन बेहद करना जरूरी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ बात करने के लिए तैयार है, परंतु किसान नेता शर्त लगाकर बातचीत करने की बात कर रहे हैं। वे सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं, इस तरह कोई समाधान नहीं निकलने वाला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर वर्ग को बिजली मिल रही है, किसानों को उनके हिस्से की पर्याप्त बिजली मिल रही है, उद्योगों को भी पर्याप्त बिजली सरकार द्वारा दी जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूछे गए सवाल पर कहा कि पार्षदों में कोई भी नाराजगी नहीं है, ये सिर्फ आपस में मिल बैठकर काम करने के लिए कहते हैं। इस तरह की बात पार्षद कर रहे थे कि ताकि कार्य जल्दी हो और कार्य की गुणवत्ता बनी रहे। यहां हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने व्यस्त कार्यक्रम में आज रविंदर कल्याण की बड़ी माता के निधन पर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। देखिए इस रिपोर्ट को। 3 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर मुख्यमंत्री का बदलना, आपको नहीं लगता पार्टी की छवि पर इससे असर पड़ता है? ऐसा नहीं है, वो एक संवैधानिक बात आ गई। शायद उस समय जब उनको मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाई गई थी, उस समय ये विषय नहीं ध्यान में रहा होगा, क्योंकि बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के एक जब कम समय रहता है, उसके कम समय में बाई इलेक्शन नहीं कराए जा सकते, तो बाई इलेक्शन नहीं होने की स्थिति में उनको 6 महीने के अंदर विधायक बनना था, 6 महीने में चुनाव होना नहीं है, इसलिए कुछ संघर्ष। आपके क्षेत्र में पुरानी ईंटों से नई दीवारें बनाई जा रही है स्मार्ट सिटी। सर, मतलब स्मार्ट सिटी का पैसा खराब किया जा रहा है, कई जगह ऐसी शिकायतें आती है कि स्मार्ट सिटी का पैसा जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भी पैसा लगाया जाता है। देखिए, स्मार्ट सिटी के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उसका एक पैरामीटर है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी बनते हैं, उसके अंतर्गत ही काम होते हैं, उससे बाहर जाकर नहीं होते हैं। तो जो उसके पैरामीटर बने हुए स्मार्ट सिटी के कार्यक्रम के, वही बनाए जाएंगे, उसमें कोई फालतू खर्च फालतू कोई काम किया जाए ऐसा नहीं है। कांग्रेस की सर, बीजेपी पार्टी के पार्षद विरोध करते हैं। 19 विधायक मिले हैं और शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष से हटाने की बात चल रही है, तो आपको लगता है कि परिवार की राजनीति चल रही है कांग्रेस के अंदर? ये जो उनका पुराना सिलसिला वही चल रहा है, उसमें कोई नई बात होगी ऐसा नहीं हो, पहले भी परिवार के यानी जो राजनीति उनकी चलती है, आज भी परिवार के अंदर वंशवाद क्या चलता है, और वो वंशवाद यहाँ कोई खत्म हो गया था नहीं, वही चलता है, वो पहले चल रहा है, आज भी चल रहा है। सर, करनाल में तकरीबन बीजेपी पार्टी के पार्षद नाराज चल रहे हैं, उनके विकास कार्य नहीं होते और वो खुद स्मार्ट सिटी पर जो फिजूल खर्ची हो रही है, गलत पैसा लगाया जा रहा है, उसका विरोध वो खुद कर चुके हैं। कोई नाराज नहीं है, आपस में बैठ करके विचार करते हैं और विचार करने के बाद उसके अंदर जो उनके कुछ सुझाव होते हैं, सुझाव लेकर के आगे काम कराए जाते हैं। बल्कि अब जो स्मार्ट सिटी की टीम है, उसमें हमने कहा कि पार्षदों का प्रतिनिधि भी होना चाहिए और मेयर सीनियर डिप्टी मेयर डिप्टी मेयर का भी होना चाहिए, विधायक भी होना चाहिए। सर, मेट्रो का विरोध हुआ, किसानों का विरोध तेज हो गया है, बातचीत हो नहीं रही है, कोई समाधान? कोई बातचीत करनी है नहीं करनी है उनको निर्भर करता है, हमने बातचीत के लिए हमेशा उनको इन्वाइट किया है, आगे भी करेंगे, लेकिन सशर्त बातचीत जो होती है वो कभी भी संभव नहीं होती है, वो शर्त रख करके आना चाहते हैं कि भाई हम आएंगे तो एक ही मांग है हमारी, किसानों के जो 3 बिल हैं वो वापस किए जाए किसी बिल, तो वापस होने की कंडीशन पर तो बातचीत हो भी नहीं। सर, मेट्रो करनाल आ रही है, मेट्रो करनाल आएगी तो अच्छा तोहफा मिल रहा है करनाल को, मेट्रो जो पानीपत के बाद करनाल आ रही है मेट्रो। RRTS पहले काले खान दिल्ली से लेकर पानीपत तक मंजूर हुई थी, अब हमने उनको कहा कि नहीं करनाल जाना चाहिए, करनाल भी चूँकि NCR में आ गया है, तो NCR होने के नाते से जो 35-30 किलोमीटर का टुकड़ा और ज़्यादा बनेगा, इसके अंदर भी उसका लाभ उनको मिलेगा, दिल्ली आने जाने वाले जो लोग हैं। काम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं सर, आपको नहीं लगता है थोड़ा सा कंट्रोल, जनता बहुत परेशान है? देखिए, पहली बात तो कि पेट्रोल के डीजल के जो दाम है ये कोई हमारे आपके हाथ में नहीं है, एक इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर सब निर्भर करता है, उसी में से सब होता है, और उसमें भी अगर देखेंगे तो पिछले 8 साल में 10 साल में जो प्रपोर्शनेट रेट पहले बढ़े उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़े ऐसा नहीं है, उस परसेंटेज में जितनी महंगाई हुई है उसमें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। बिजली की कोई कमी नहीं है, जितनी बिजली किसान को चाहिए किसान को मिल रही है, जितनी सर पंचायती चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? पंचायती चुनाव के कुछ विषय हाईकोर्ट के विचाराधीन है और 22 अगस्त डेट लगी है, 22 अगस्त को उस डेट के बाद जैसा फैसला होता है उसके बाद आकर ली जा रहे हैं कुछ हरियाणा को सौगात, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मुलाकात। दिल्ली तो मेरे यानी हरियाणा के 8 जिले ऐसे हैं जो दिल्ली के साथ लगते हैं, वहाँ 8 जिलों की रिपोर्टिंग होती है, मैं दिल्ली बैठ के करता हूँ, वहाँ के बैठ के लेने जाता हूँ, गुड़गांव जाता हूँ, उत्तर प्रदेश
दिल्ली जाता हूँ, दिल्ली जाना कितना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जिसमें से आप लोगों के नौकरे खड़े हो, काफी चर्चा चल रही है। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।